नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ब्रो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7, और इसका हम कैसे क्लोन तैयार कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा कि आज अपना किसी भी विंडो का आप क्लोन तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि आप कभी भी जब आपकी विंडो करप्ट होती है तो आप वहाँ से पूरा डाटा पूरे ड्राइवर के साथ पूरे सॉफ्टवेयर के साथ उठा सकते हैं, है ना। तो और ये मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था कि जो एसर का थिंक क्लाइंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे, ये अपना थिंक क्लाइंट है एसर का, इसका हम क्लोन कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि क्या है, ये कंपनी की मशीन होती है, कभी अपन पे सॉफ्टवेयर है कभी नहीं है, क्या क्या इसमें सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, और ड्राइवर्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अपन एक क्लोन इसका तैयार करके रख लेंगे, जिससे कि भविष्य में अगर कोई विंडो करप्ट होती है या आप सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ से पूरी एटिजेट पूरी विंडो को डाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले और ये जो आपका पीसी है इसको जो है रीस्टार्ट करना होगा, और आपकी जो सीडी है उसको बूटेबल बनाना होगा। उसके अंदर आपकी जो सीडी आती है घोस्ट की, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको लिंक से उसको आप डाउनलोड करके बना सकते हैं उस सीडी को, या नेक्स्ट सीडी में आपको बताऊँगा कि उससे आप वो सीडी को घोस्ट की सीडी को कैसे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले अपन इसको रीस्टार्ट करते हैं, और बूट में जाके फर्स्ट सीडी बूट बनाते हैं। आपको डेल प्रेस करना है, जिससे भी आप अपने सेटअप में जाते हैं बायोस में, तो ये अपने डेल से आप अपनी आप सेटिंग में चले जाएंगे बायोस में, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बूट फर्स्ट जो है आपको अपना जो USB अपने जो या तो पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं या अपने आप जो है सीडी से कर सकते हैं, मैं सीडी से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सीडी को फर्स्ट बूट बनाना है, तो इस सीडी को सेलेक्ट करना है, सी ड्राइव को, USB को, और इसको एंटर कर देना। देखिए सबसे ऊपर जो फर्स्ट बूट है आपका वो सीडी रोम ड्राइव बन गया है, और इसको जो है एग्जिट करते हुए सेव चेंज एंड एग्जिट करके एंटर कर देना है, और इसको आपकी जो सीडी है उसको जो आपकी जो DVD में CD लगी हुई है घोस्ट की उसको लगा देना है, और इसको क्लोज करके एग्जिट करके बाहर आ जाना है दोस्तों। यस, अब देखिए ये जो है आपका जो है आपकी DVD से बूट होगा, ये घोस्ट की जो DVD है उससे बूट होगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये घोस्ट की जो बूटेबल CD है उससे ये बूट हुआ है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस CD को बना सकते हैं, और यहाँ आपको एंटर कर देना है। यहाँ एंटर करने के बाद जो आपकी विंडो आएगी नेक्स्ट वो इस तरह से आएगी, यहाँ पर आपको कंटिन्यू रखना है। ये देखिए अब यहाँ दोस्तों, ये आपको जो है आपको क्या करना है वो एक स्टेप बाई स्टेप वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ ओके कर दीजिए आप, यहाँ सबसे ऊपर जो लोकल आ रहा है इसमें डिस्क और पार्टीशन, तो लोकल में जाएंगे पार्टीशन, अपन पार्टीशन के लिए कर रहे हैं, तो टू इमेज है ना, क्योंकि अभी अपन पार्टीशन की इमेज बना रहे हैं, तो इसकी इमेज बनाते हैं जिस पार्टीशन को, तो उसके अपन जो क्लोन बना रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं उसकी साइज़ को दिखा रहा है, यहाँ आप ओके करेंगे। और यहाँ देखिए जो आपने विंडोज 7 में आपके जो पार्टीशन बनता है, ये आपका जो है सिस्टम रिजर्व्ड बनता है, ऊपर बना दिया है। सेकंड पार्टीशन जो है अपना विंडो 7 का, ये आपको याद रखना है कि आपका विंडो 7 या जिस भी विंडो का आप क्लोन बना रहे हैं वो कौन सा पार्टीशन है। तो ये मेरा पार्टीशन है इसके अंदर दूसरा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं, आपकी हार्ड डिस्क है उसमें कहाँ पर इतना स्पेस होना चाहिए कि करीब या आप ये मानिए कि 9 से 10 GB का भी हो सकता है, 8 GB का भी हो सकता है, वो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो कहाँ पर है वो आपको चूज़ करना है, क्योंकि वो जो आपका क्लोन बनेगा वो वहाँ जाके स्टोर होगा आपका। तो यहाँ मैंने जैसे ले लिया है कि इसमें मेरा है जो भी आपके सी को छोड़कर जो भी आपके DEF जो भी स्पेस हो, और यहाँ पर उसका नाम डाल दें किस नाम से आप उसको क्लोन को सेव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ नाम डाल रहा हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ऊपर आपको ड्राइव को चूज़ करना है जिस जगह आपको सेव करना है, यहाँ आपको नाम जिस नाम से सेव करना है, ठीक, और जो टाइप है ये है *.घोष, ठीक है, और इसके बाद आपको सेव कर देना है।
देखिए यहाँ पूछ रहा है कि जो आप कंप्रेस कर रहे हैं इमेज को, वो फास्ट रखना है नो, फास्ट या हाई, तो मैं इसको फास्ट पे कर देता हूँ और यहाँ आपको क्लिक कर देना है यस पार्टीशन, ये लिख रहा है प्रोसेस विथ पार्टीशन इमेज क्रिएशन, तो यहाँ आपको यस कर देना है। तो दोस्तों बस ये आपका इस तरह से ये क्लोन तैयार हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरा परसेंटेज दिखाएगा, 1 से लेकर 100 तक जाएगा, और टाइमिंग दिखाएगा कि कितना टाइम इसके अंदर लगेगा दोस्तों। तो यहाँ आप देखिए परसेंटेज स्टार्ट हो गया, 1% आ गया है, और रिमेनिंग जो टाइमिंग दिखा रहा है करीब ये 17 से 18 मिनट करीब ये दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जब तक अपन वेट करते हैं और इसके बाद ये बन जाएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ क्लोन आपका तैयार हो गया है किस जगह से, और आप इसको फिर कैसे यूज़ में लाएंगे वो मैं आपको फिर बताऊँगा। जब तक मैं इसको पॉज करता हूँ, ये दोस्तों वो कंप्लीट होने वाला है, 97% हो गया है। तो दोस्तों ये जो जिस जो ये सॉफ्टवेयर है ना साइमेंटिक घोस्ट, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो आपकी इस सीडी के ऊपर बनाऊंगा कि इस घोस्ट को जो साइमेंटिक है इस घोस्ट सीडी को आप कैसे बना सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिख के आ गया है ना, इमेज क्रिएशन कम्प्लीट सक्सेसफुली, कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ आ जाएंगे अपने। इसके बाद आपको यहाँ से क्विट कर देना है दोस्तों। एक चीज़ याद रखना है कि जो आपकी सीडी है इसको यहाँ से इसको ड्राइव में से हटा दें, उस बूटेबल जो घोस्ट सीडी है आपकी उसको आप बहाल कर लें ये, और अपनी मशीन को आप बूट होने दें। देखिए दोस्तों जैसे अपन बूट होकर बाहर आ गए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ जो अपन ने क्लोन बनाया था वो कहाँ पर बनाया आपका फाइल। तो आप एक्सप्लोर में जाइए, विंडो एक्सप्लोर में तो मैक्सिमम कर दीजिए, और कंप्यूटर्स में जाके आपकी जो पार्टीशन है जिसमें कि अपन ने इसको सेव किया, ये मैंने किया है डी में, ये देखिए डी में क्लिक किया मैंने, और ये देख रहे हैं आप कि इसने पूरी जो है आपकी ड्राइव दिखा दी है कि कितनी इसमें बनी है। मैं बता देता हूँ आपको कि कितना इसने स्पेस लिया है, तो पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे आप, 16 GB का क्लोन आपका बन के तैयार हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इसको आप या तो अपने कहीं भी इसकी DVD बना के भी रख सकते हैं, तो आपको अगर ये 2 DVD में 3 DVD में आएगा तो उसको आप बना सकते हैं, या पेन ड्राइव में ले सकते हैं, या किसी हार्ड डिस्क में इसको बैकअप लेके रख सकते हैं दोस्तों। तो आप जिसमें सिस्टम का क्लोन बनाना चाहते हैं उसमें इस क्लोन को पढ़ा देने दें, नहीं तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर ये नहीं है तो फिर आपको डालने में बड़ी दिक्कत आएगी है ना। तो उसी में एक दूसरे पार्टीशन में इस क्लोन को आप बना के रखें, जिससे कभी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा इसका काम यूज़ ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा 200 वीडियो बड़ी हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इस क्लोन का कैसे यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें है ना, और अगर आपको किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा पूरी। तो आज के लिए इतना ही, जय जिनेंद्र, जय भारत।